बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज से 1500 साल कबल दुनिया के नक्शे पर दो अजीम ताकतें मौजूद थी, एक रोम और दूसरी ईरान। मौजूदा सियासी इस्तलाह में कहा जा सकता है कि ये दोनों माजी की सुपर पावर थीं। रोम पर ईसाइयों की हुक्मरानी थी और ईरान मजूसियों आतिश परस्तों का मरकज था। इनके अकीदे के मुताबिक आकर शेख को जला देने की सलाहियत रखती थी, इसीलिए इसे खुदा का दर्जा दे दिया गया। ईरान के तमाम छोटे बड़े मापूतों में हर वक्त आग रोशन रहती थी और पुजारी भड़कते हुए शोलों के सामने सजदा रेज रहते थे और सदियों से ये मखसूस दुआएं मांगते थे, ए हमारे मापूत, जिस तरह तू लाजवाल व अजीम है, इसी तरह अपने नाम लेवाओं को भी इज्जत व जलाल अता कर हमें हमारे दुश्मन पर ऐसा गलबा बख्श दे जैसे ज़बह होने वाले जानवर बेदस्तों पा नजर आते हैं। अहले ज़मीन के दिलों में हमारी ऐसी हैबत डाल दे कि वो सोते में भी हमसे खौफजदा रहे और दुर्फिशा कवयानी को इतना बुलंद करके वो आसमान को छूने लगे। दुर्फिशा कवयानी आतिश परस्तों का मुकद्दस परचम था। ईरानी अफवाज और अवाम इस बात पर पूरा यकीन रखते थे कि जिस मैदान जंग पे ये मुतबर्रिक झंडा लहराएगा वहाँ दुश्मन शिकस्त फाश से दो चार होगा और मजूसियों को अजीम आलिशान फतह हासिल होगी। फिर जब इस्लाम की शक्ल में हक नामुदार हुआ तो बातिल फरार हो गया। नाम निहाद मुकद्दस परचम उठाने वाले हाथ काट दिए गए और दुर्फिशा कवयानी, जिसे फतह व नुसरत का निशान समझा जाता था, बदबख्ती की अलामत बनकर इस तरह खाक में मिल गया कि इसका एक तार तक बाकी न रहा। ये 14 हिजरी का तारीख हिसास और यादगार साल था जब सदियों से रोशन आतिश कदे बुझा दिए गए। आग के पुजारी कहा करते थे, ये शोले कभी सर्द नहीं होंगे और इन्हें बुझाने वाली मखलूक आज तक पैदा नहीं की गई, मगर जब ईमान की ताज़ा हवाएं फारान की चोटियों से उतरकर ईरान के मैदानों में दाखिल हुई तो फिर सब कुछ खसोखाश के मानंद उड़ने लगा। नौशेरवा के अंदर नादिर कीमती यादगारें मिट्टी के खिलौने की तरह आखिर और अरसा ठहरे। जिस तरह काबे में रखे हुए बुत मुँह के बल गिर कर हुवल्लाहुवाद कहते थे, इसी तरह ऐवान कसरी की बुलंद और संगी मीनार जमीन बोस होकर अल्लाह अकबर की किबरियाई बयान कर रहे थे। मगरूर शाहों के निस्तनामे वर्क वर्क होकर बिखर गए। इनके उठे हुए सर इंसानी ठोकरों और घोड़ों की सिमों से पामाल होने लगे, हड्डियां चटक कर टूटने लगी और फिर रास्तों का गुबार बन कर रह गई। यहाँ तक कि इनकी आखिरी निशानियां तलाश करने वाला भी कोई बाकी न बचा। इतनी कदीम और ताकतवर सल्तनत की बसात यूं उल्टी कि मर्जियां ख्वा तक ना रहे। मातम गसारों को भी मकफात अमल के कानून ने खा लिया। मौत का खूनी दहन अपने पूरों तुलो अर्ज के साथ कुलफ हुआ था और ईरान की फिजाओं में बहुत दिन तक यह होलनाक सदा गूंजती रही, है कोई और, है कोई और। फिर जवाब में वक्त के नकीब ने पुकार के कहा, कोई नहीं सिवाय अल्लाह के। ये आवाज सुनते ही हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहतरम मामू और लश्कर इस्लाम के सालार हजरत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शमशीर अपने नयाम में चली गई और जाने कितनी रातों से कर्ब के आलम में जगने वाले अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को करार आ गया। ये था जंगे कुदसिया का मुख्तसर हाल जिसने ईरानियों की कमर तोड़कर रख दी थी और शहनशाही अस्तगर किसी जख्मी भेड़िए की तरह अपनी ही जमीन पर पना ढूंढता फिर रहा था। अहले ईमान की अलकार जारी रही यहाँ तक के मुजाहिदीन इस्लाम की कोड़ों ने मदियन, खुसिस्तान, आवाज, नाहवान, असफान, हमदान, रे, करमान, सिस्तान और खुरासान को रौंद डाला। शहनशाही अज़दकर फरार होकर तुर्किस्तान चला गया। मुस्लिम सालार अहनफ बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ईरान का सारा खजाना माल गनीमत के तौर पर अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में मदीना मुनव्वरा बेच दिया। ज़रो जौहर के इस अंबार को देखकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोने लगे। फिर आपने मस्जिद नबी में हाजिर होकर अहले ईमान के इज्तिमा से खिताब करते हुए फरमाया, माबूद हकीकी के नाम लेवाओं को खुशखबरी हो कि आज मजूसियों आतिश परस्तों की सल्तनत बर्बाद हो गई। अब इनके मुल्क की जमीन का एक टुकड़ा भी इनके कब्जे में नहीं रहा। खूब जान लो कि अब आग के पुजारी वाहिद ला शरीक की इबादत करने वालों को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचा सकते। और ये भी सुन लो कि अल्लाह ताला ने इनकी ज़मीन, इनके मुल्क और इनकी दौलत का वारिस तुम्हें इसलिए बनाया है कि तुम्हारी आजमाइश की जा सके। खबरदार, तुम अपनी हालत न बदल लेना वरना अल्लाह बेनियाज़ है
वो तुम्हारी जगह दूसरी कौम को बदल देगा। मुझे इस उम्मत के लिए खुद इसके अफराद से खौफ है। ईरानियों की शिकस्त फाश और मुसलमानों की अजीम आलिशान फतह की खबरें कैसर रोम के दरबार में बड़ी हैरत के साथ सुनी गई। कैसर के एक दो अंग्रेज वजीर लूकस ने अपनी निशिस्त पर खड़े होकर बसत एहतराम अर्ज किया, ए हरकल आजम, मुसलमानों की ये पहम फतवाहत ईसाइयों के लिए नेक शगुन नहीं है। इससे पहले कि ये खूनी सैलाब हमारे सरसब्ज व शादाब इलाकों को बहा कर ले जाए, हमें एक मजबूत आसार बना लेना चाहिए। इससे पहले कि वजीर लूकस अपनी बात मुकम्मल करता, बूढ़ा पादरी शेराम अपनी जगह से उठा और इंतहाई मुतकबराना लहजे में हरकल आजम कैसर रोम को मुखातिब करके कहने लगा, शहंशाह को मालूम होना चाहिए कि ईरानी आतिश परस्त थे, इसलिए आग की खुराक बन गए, मगर हम अहले सलेब हैं और सलेब ही हमारे मुहाफिज व नेकबान है। शेराम के बाद दूसरे पादरियों ने भी दरबार पे पुरजोश तकरीरें की। आसमानी बाप अपने मुकद्दस बेटे के सदके में मसीहों पर कभी आफत व मसायब नाजिल नहीं करेगा। कैसर रोम मुकम्मल तौर पर पादरियों के जेर असर था, इसलिए इसने अपने सियासी मशीर लूकस की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। चंद साल पहले भी इन्हीं पादरियों ने इस वक्त हंगामा राई की जब कैसर रोम को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुकद्दस मौसूल हुआ था, जिसमें पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे दीने हक कबूल करने की दावत दी थी। कैसर रोम सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत से मुतासिर हो चला था, मगर जब इसने पादरियों की जमात को गजबनाक हालत में देखा तो इस्लामी वफात को अपने दरबार से उठा दिया। अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से रुखसत हुए सिर्फ चार साल का मुख्तसर तरीन अरसा हुआ था। दुनिया के बड़े बड़े कहन और जंग के माहिरीन सोच भी नहीं सकते थे कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा सहरा के तामर से निकल कर ईरान जैसी अजीम ताकत की बिसात उलट कर रख देंगे। वो ईरानी जो खुद को दुनिया की सबसे मुहाजिब और ताकतवर कौम समझते थे, जब पहली बार मुसलमान सफीर हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुकद्दस लेकर ईरानी शहंशाह खुसरो परवेज़ के दरबार में एक खास अदाए बेनियाजी और जलाल ईमानी के साथ दाखिल हुए, तो ईरानी शहंशाह ने साबी रसूल को बड़ी नफरत व गारत के साथ देखा था। फिर खुसरो परवेज ने नामे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाक करते हुए पूरे अरब कौम को इंतहाई जिल्लत तमेज लहजे में मुखातिब करते हुए कहा था कि ए सोसमार छिपकली नुमा जानवर का गोश्त खाने वालों और ए ऊंट का दूध पीने वालों, जब इस नाकाम सिफारत के बाद हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर होकर नाम मुबारक के चाक करने का वाक्य सुनाया तो सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुसरो ने मेरा खत चाक नहीं किया, अपनी हकूमत के टुकड़े कर दिए। चंद रोज बाद ही खुसरो परवेज के बेटे शेरफियान ने बड़ी बेरहमी के साथ अपने बाप को कत्ल कर डाला। फिर चंद साल बाद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ईरानी सल्तनत के मजबूत तरीन सतूनों को किसी बोसीदा किताब के औराक की तरह हवा में उड़ा दिया। कैसर रोम का वजीर लूकस इस वाक्य से बाखबर था, इसीलिए इसने बड़े दरबार में मुसलमानों की फतवाद और अनफार के सिलसिले में अपने खदशात जाहिर किए थे। लूकस का शुमार अपने वक्त के ज़हीन तरीन अफराद में होता था। इसकी चुगने वाली आंखों ने नौशते दीवार पढ़ लिया था कि अब मुसलमानों को रोमियों के हरीफ ताकत बनने से कोई नहीं रोक सकता। यही वजह थी कि लूकस बार बार कैसर रोम को सूरत हाल की संगीनी का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा था। पादरी शेराम के जासूस महल की कोशा कोशा में फैले हुए थे। जब इन जासूसों ने कैसर रोम और वजीर लूकस की खुफिया मुलाकातों की इतला दी तो पादरी शेराम गहरी सोच में डूब गया। फिर इसने वजीर लूकस को सियासी मंजरनामे से हटाने की तदबीर सोच ली। इस वक्त रोम ऐश परस्तों का मरकज था। पाचा वजीर अमीर और खासो आम रक्सो सरोर और शराब नोशी को इंसानी जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा समझते थे। कैफ व निशात की जिंदगी गुजारने पर कोई कानूनी और इखलाकी पाबंदी आयद नहीं थी। अपने इस माहौल के जेर असर लूकस भी कैफ व निशात का दिलदादा था। पादरी शेराम ने इसकी इसी कमजोरी से फायदा उठाया। एक रात जब लूकस खूबसूरत हसीना रकासा सुसन का होशियर बार रक्स देख रहा था तो मुसलसल शराब नोशी के असर से इसके गोशो आवाज साहिल होते जा रहे थे। फिर इस कैफियत में लूकस ने सुसन से रात का आखिरी जाम तलब किया। सुसन पसंद नाज व अदा लहराती हुई आगे बढ़ी
और इसने दूसरी जर निकाल सुराही से लोकस का जामला प्रेस किया। इस सुराही में पादरी शहराम के मंसूबे के मुताबिक एक खास शहर शामिल कर दिया गया था, जिसे बड़े से बड़ा तबीब भी आसानी के साथ नहीं पहचान सकता था। शराब अलग से उतरते ही लुकस की हालत गैर होने लगी। वो शदीद गुर्ग के आलम में फर्शी नशिस्त से उठा और लड़कड़ाती जबान में रकासा से पूछने लगा, सोसन, आज तुमने मुझे कैसी शराब पिला दी है कि मेरे दिल की धड़कनें काबू में नहीं है। सोसन की अहमरी ओंटों पर कातिलाना तबस्सुम उभर आया। सल्तनत रोम के अजीम वजीर साखी भी वही है, जाम वो बेमाना और सुराही भी वही है। शायद ये मौसम बहार और चांदनी रात का असर है और शराब में तेजी आ गई और नशा आम दिनों से ज्यादा हो गया। लोकस कुछ और कहना चाहता था मगर अचानक इसने दोनों हाथों से अपने दिल को पकड़ लिया। वजीर सल्तनत का चेहरा पसीनों से दर हो गया। फिर वो शदीद असैयत के आलम में चंद कदम आगे बढ़ा और लड़खड़ा कर फर्श पर गिर पड़ा। लोकस की ये हालत देखकर रकासा सुसन मुसलसल मुस्कुराई जा रही थी। वजीर लोकस बड़ी मुश्किल से उठकर बैठा। फिर इसने पूरी ताकत से चीख कर कहा, जाहिल और रियाकार पादरियों, तुमने इस शख्स को कत्ल कर डाला जो रोम का दिमाग था। अब तुम्हें खुदावंद के कहर से कोई नहीं बचा सकता। ये कहकर लोकस ने एक बार फिर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन वो अपने कदमों का तवाज़ुन बरकरार न रख सका और दोबारा ऊंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। फिर चंद लम्हों बाद उसकी हरकत कल्ब बंद हो गई। रकासा सुसन तेजी से झुकी। इसने कई बार लोकस को आवाजें दी मगर जब वजीर सल्तनत के जिस्म को हल्की सी चम्पश भी नहीं हुई तो इसने किसी तबीब की तरह लोकस की कलाई पर अपना हाथ रख दिया। वजीर सल्तनत की नब्ज डूब चुकी थी। लोकस के इशरत कदे में रकासा सुसन का तेजी के का गूंजा मगर जब ये गूंज खत्म हुई तो इसके कानों में पादरी शहराम के अल्फाज की सताए बाज गश्त उपरने लगी। अगर तूने ईसाइत के एक बड़े दुश्मन लोकस को मार डाला तो मुकदस बाप और बेटा तुझसे राजी हो जाएंगे, तेरे सारे गुनाह धो दिए जाएंगे और तू पारसा औरतों की तरह जन्नत में दाखिल हो जाएगी। फिर जब रकासा सुसन वजीर सल्तनत लोकस के कमरे से निकलकर महल की राहदारी से गुजर रही थी, इसके दिलो दिमाग पर सरशारी की अजीब सी कैफियत तारी थी। सुसन को यूं महसूस हो रहा था जैसे वो जन्नत की किसी वादी में मुहारब हो। दूसरे दिन केसर रोम अपने मशीर खास की लाश पर उदास खड़ा था। शाही तबीब तमाम तर कोशिशों के बावजूद इस शहर की निशानदही ना कर सके, जिसे पादरी शहराम ने बड़ी जहानत के साथ लोकस के जिस्म में दाखिल कराया था। फिर वही हुआ जिसकी पेशन गोई लोकस ने अपनी मौत से पहले की थी। अब इस्लामी लश्कर ईसाई सल्तनत की तरफ पेशकदमी कर रहे थे। फिर कुछ दिन बाद ही अमीन मिल्लत हजरत अबू उबैदा बिन अल-जर्राह रसूलल्लाह तआला अन्हु की क़यादत में इस्लामी फौज ने दमिश्क, गुर्दन और हमास पर कब्जा कर लिया। ये तमाम ईसाई इलाके के सर रोम के हदूद सल्तनत में शामिल थे। हजरत अबू उबैदा रसूलल्लाह तआला अन्हु ने जिज़्या लेकर तमाम ईसाइयों को मुकम्मल आमान बख्शी और बराबरी के हकूक अदा किए। ना किसी औरत की आबरू रेस की गई, ना किसी बूढ़े और बच्चे को कत्ल किया गया और ना ही इनके मकानों को आग लगाई गई। मुसलमानों के इस तर्ज अमल को देखकर ईसाई औरतें और मर्द आपस में गुफ्तगू किया करते थे, ये कैसे फाते हैं जिन्होंने हमारी इज्जत व आबरू की पेरहन को चाक नहीं किया, हमें सामान्य रसवाई के साथ बाजारों में नहीं फिराया और हमारे माल व मुता की तरफ देखना तक गवारा नहीं किया। जिंदगी की ये रियायतें, ये अमन व सलामती, ये अदल व इंसाफ और ये मसाफात तो हमें अरकल आजम के सर रोम ने भी नहीं बख्शा था। दमिश्क, औरतन और हमास की फतुहात ने रोमी ईसाइयों को पतावास कर दिया था। फिर मकामी बाशिंदों की एक बड़ी जमात के सर रोम के दरबार में दाखिल हुई। दमिश्क, औरतन और हम्स की फतुहात ने रोमी ईसाइयों को बतावास कर दिया था। फिर मकामी बाशिंदों की एक बड़ी जमात के सर रोम के दरबार में दाखिल हुई कि इनके बाल बिखरे हुए थे और गिरबान चाक थे। वो सब के सब सर से पांव तक दर्द की तस्वीर बने हुए थे। केसर रोम ने इन शिकस्ता हाल लोगों की तरफ बड़ी हैरत से देखा और फिर इंतहाई नरम लहजे में पूछा, ए यसु मसीह के मानने वालों, आखिर तुम पर क्या आफत पड़ी है? दमिश्क और उर्दन के सिपाहियों ने रो रो कर कहा, ए हरकल आजम, ए ईसाइयत के लेकवान, हम पर आफतात नहीं पड़ी है बल्कि कयामत टूटी है। हमारी फरियाद सुनो और हमारे दुखों का मुदावा कर।